चलो दोस्तों, इस बार मैं फिर से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा सोचा था। अगस्त चौहान, अब कुछ बोलेंगे भाई वो मर चुका है और तुम ऐसे रोस्ट वीडियो बना रहे हो। एक माँ का लाल चला गया, एक माँ का बेटा चला गया है और तुम ऐसे रोस्ट वीडियो बना रहे हो, तुम्हें शर्म वरम नहीं है? भाई रोस्ट वीडियो नहीं है। और एक बात बता दूं, उस माँ के लाल ने जब बाइक सीखी होगी ना तो कईयों की लाल करी होगी उनके ऊपर चढ़ा के। दोस्तों, इस स्वर का नाम है चाय सुट्टा बकचोद, मतलब इसका चैनल का नाम है। तो ये भैया के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब जो गुजर गया उसके माँ बाप फैमिली, तेरा फैमिली ने इतना कुछ सिखाया लोगों को पीछे उंगली डालने के लिए, इसलिए तू रोस्ट वीडियो बनाता है, समझा कर। तू भी तेरा माँ का ही डल्ला है। लेकिन यूट्यूब में कुछ अलग ही चल रहा है, सब हर एक जगह पे बोल रहा है कि ये स्पीड के वजह से हुआ है। कोई बोल रहा है पुलिस बोला था स्पीड के, इसीलिए वो जो राइड पे जा रहे थे वहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हाँ था वहाँ पे, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तब उस टाइम का फुटेज कहाँ पर है? और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं वो अमीर जो है ना उसको, तो अमीर उसके सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए उसके साथ छोड़ा घर से, ठीक है, अगस्त को छोड़ा घर से। लेकिन वो कितना अच्छा दोस्त है सोचो, वहाँ पे तो नहीं रुका, 3 घंटे बाद आया। क्यों आया 3 घंटे बाद? फुटेज जो है जूम करके दिया, फुल फुटेज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया फुल फुटेज? और 3 घंटे बाद आया, ठीक है। तो उसके बाद वो उसके घर पे भी जाके एक बार देख के नहीं आया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं जाके घर वालों से मिल के आऊँ थोड़ा सा। यहाँ पे ही तो शक पैदा होता है ना दोस्तों। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर को गलत सीधा नहीं बोल रहा हूँ, किसी का भी हम लोगों का राइट नहीं है कि उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, है ना, किसी का भी राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? राइट नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे जब एक्सीडेंट हुआ था, उस सिचुएशन में नहीं थे। हम क्यों ऐसे उल्टा सीधा बात करें, कुछ भी नहीं देख के, कुछ भी ना जान के क्यों करें हम? किसी का भी उल्टा सीधा बात करने का कोई हक नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग कुछ समझ तो सकते हैं। अगर कुछ हुआ है, अगर आप कुछ किया नहीं हो, तो आप भागता क्यों फिर रहे हो? आप भाग क्यों फिर रहे हो, है ना? तो आपने होटल चेंज किया, फिर से ब्लॉग डाला, आपका सबसे फेवरेट अगर दोस्त हो तो उसका अगर कुछ इस तरह से हादसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम लोग क्या है, हम लोग ना उनके रिश्तेदार है, ना उनका दोस्त है, ना उनके साथ मिले हैं कभी, लेकिन उसका वीडियो देखा है। वीडियो देख के हम लोग इतना ख़राब लग रहा है और वो एक बार मिलने भी नहीं आया, तो सब कुछ छोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेटिंग पर। लेकिन ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस करना है, वो वीडियो काट करके क्यों दे रहा है? अगर अच्छा दोस्ती हो ना, तो अगर उसका कुछ हो जाए तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक डिप्रेशन में रहता है, कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड ही करे जा रहे। और ये एक सर जी है मेरे से बहुत बड़ा है, तो मैं इनका कोई बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो बोला ठीक बोला, लेकिन कुछ कुछ बात जो है। सबसे पहले तुम बात करेंगे उस फुटेज की जो अगस्त के कैमरे से निकाली गई है, जो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के ठीक पहले की है, जरा देखिए। तो आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि अगस्त बार बार ट्राई कर रहा था कि वो ओवर स्पीड करे, वो 300 की लिमिट पार करे। भाई की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर नहीं लगता कि ये ओवर स्पीडिंग पे हुआ होगा, क्योंकि ओवर स्पीडिंग पे होता तो बाइक की दुर्दशा कुछ अलग ही होती। ये भी गलत है कि आप किसी साथी राइडर पे ब्लेम डालें कि वो वक्त पे नहीं पहुंचा या उसने भड़काया। मैंने भी बहुत राइड करी है, बट जब भी हमने राइड करी वी डिड द राइड लाइक मैन, और जो मैन होते हैं वो राइड ऐसे नहीं करते, ओवर स्पीड नहीं करते। द रियल राइडर्स, द रियल मैन आर द वंस हु फॉलो द रूल्स। द रियल राइडर्स एंड मैन आर द वंस हु केयर अबाउट अदर्स ऑन द रोड। आप अगर वो चीज कर रहे हो तो उसका ब्लेम आप किसी और पे नहीं दे सकते। दिस इज वेरी वेरी बैड, दिस इज अनफेयर। मुझे लगता है कि ब्लेम हमें इस कल्चर को देना चाहिए, इस मोटो व्लॉगिंग के कल्चर को, जो ओवर स्पीडिंग कल्चर है, ये जो स्टंट्स का कल्चर है, ये जो विलीज का कल्चर है, ये जो कॉम्पिटिशन का कल्चर, इस कल्चर ने ली है जान अगस्त की। किसी को ब्लेम देने की कोई तुक नहीं। मैं वो टॉपिक उठा रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कि हाई स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, इसका इस एक्सीडेंट से पहले 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। एक्सीडेंट के पहले क्या था? 300 किलोमीटर अगर स्पीड होगा ना, तो ये देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऐसा हालत होगा गाड़ी का। और एक बात बोला है कि रैश राइडिंग स्टैंड, कोई पुलिस में पकड़ा जाए तो मोटो ब्लॉगिंग करते। अंकल जी, आप भी किसी का वीडियो उठा के उस पर ही वीडियो बनाते हैं, ये 300 किलोमीटर चक्कर नहीं आता तो आपका 2-3 वीडियो नहीं बनता, ठीक है। और
आप जो है बोल रहे कि एक्सप्रेस वे में इतना किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस वे में अगर आप 60 से 70 से कम स्पीड में जाओगे तो पीछे से गाड़ी आके ठोक देगा, है ना। आपने भी तो राइड किया है, आपने बोला वीडियो में। तो एक्सप्रेस वे में गाड़ी का स्पीड मतलब 70-80 से अगर कम होगा ना आपका, तो पीछे से ठोक देगा फोर व्हीलर आके। तो समझा करो यार, कोई भी से जिस परिवार से जो गुजरता है उनका दर्द सिर्फ वो परिवार वाले ही भुगते हैं। तो और हम लोग सिर्फ बोलते हैं हाँ ये बुरा हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं किया, ओवर स्पीडिंग किया। और वहाँ के एक मैं कमेंट देखा, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगा, तो उस कमेंट में बोल रहा है एक बंदा कि हाँ मैं भी उत्तराखंड में हूँ, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, उसके डैडी भी गया था एक। अरे भाई जो जिस जगह पर है ना वो अगर किसी को बढ़ता हुआ देखे तो जलता है ना। जला मत करो, क्योंकि ज़िंदगी किसी का भी बहुत लंबा नहीं होता है। जो गुजरता है उसका फैमिली वाले ही समझते हैं कि क्या खोया हमने। उनका दर्द फील करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि फील नहीं कर पाओगे कोई भी, मैं भी फील नहीं कर पाता हूँ। हाँ हम लोग को बुरा लग रहा है, बुरा लगेगा, इतना दिनों से वीडियो देखा एक अलग सा, मतलब वो बंदा ही अलग था, वो बंदा ही कुछ अलग सा था, सीधा साधा था, सिंपल बंदा था। तो अगर आप गलत सीधा बोलोगे तो बुरा लगेगा ही सबको। और ये जो गलत ये हुआ है वो हुआ है, ये क्यों छुपा रहे हो भाई अगर। हाँ और ये सर जिसका हमने बात किया थोड़ी देर पहले, तो अगर आप बोल रहे कि कोई वापस नहीं आया, क्यों नहीं आया, साथ में आपने भी तो राइड किया, आपने बोला ना आपने भी राइड किया, तो साथ में अगर कोई चले आपके साथ में, अगर आपका कोई दोस्त चले तो वहाँ पे आप उसको छोड़ के चले जाओगे, इतना ही राइड किया। कुछ यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि ZX 10R का जो न्यू मॉडल है उसका जो हैंडल है वो वाइब्रेट स्टेबल नहीं रहता है। अरे भाई ZX 10R में कितना सेफ्टी फीचर्स दिए हो इतना मालूम है आप लोगों को। हैंडल में डायनामिक डैम्पिंग दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स डायनामिक डैम्पिंग, जो हैंडल को स्टेबल करता है, ठीक है। हाई स्पीड के हिसाब से हैंडल स्टेबल हो जाता है, अगर कम स्पीड में रहोगे तो डैम्पिंग कमजोरी रहेगा, अगर हाई स्पीड में रहोगे तो डैम्पिंग स्ट्रांग हो जाएगा स्टेबिलिटी के लिए। और क्या ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंट्रोल सिस्टम है। अब मैं सामने के पहिए ज़्यादा लीन कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से पीछे के पहिए में पावर देता है, तो यह ABS है। तो विदाउट एनी रीज़न टकराने का कोई चांस ही नहीं है ना। कुछ सेफ्टी फीचर्स दिया और कुछ यूट्यूबर बोल रहे हैं कि उसका हैंडल हिलता है। हाय भैया तुम भी चलाते हो गाड़ी 1000 cc का, और क्या बोलते हैं 1000 cc का बाइक है इतना जोर से भाग, अरे 1000 cc का बाइक में फास्ट गियर में 130-140 तक उठ जाता है, समझा। और ब्रेकिंग भी उतना ही अच्छा होता है, ABS भी प्रो वर्जन का दिया होता है। तो दोस्तों फेक न्यूज़ में मत पड़िए, आज का वीडियो यही तक।